हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 12 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक का है, और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे MCQ भी हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ करंट इवेंट से, जहाँ पे पहली न्यूज़ है जेम्स वेब टेलीस्कोप की। तो अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा एक एक्सोप्लैनेट की सीधी तस्वीर खींची गई है, और ये पहली सीधी तस्वीर है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है एक्सोप्लैनेट, ये जो आप देख रहे हैं एक्सोप्लैनेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के जो बाहर के ग्रह होते हैं, अगर कोई बाहर का ग्रह है सौरमंडल का, तो उसे एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। तो अभी हाल ही में एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की पहली सीधी तस्वीर खींची गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। दूसरी चीज़, आपको इस एक्सोप्लैनेट का नाम याद रखना है, इसका नाम है HIP 65426b। ये एक्सोप्लैनेट का नाम है, एक बार फिर से सुन लीजिए, HIP 65426b। इसके बाद न्यूज़ आती है INS विक्रांत की, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया है। तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, ये है INS विक्रांत। इसके बाद यहाँ पे म्यांमार की पूर्व स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू, तो इन पे काफ़ी दिनों से केस चल रहा था, रिसेंट के वीडियोस में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो ये म्यांमार की पूर्व स्टेट काउंसलर हैं जो कि प्रधानमंत्री के बराबर का पद होता है, तो इनको पहले भी सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन हाल ही में वहाँ की सैन्य अदालत ने उनको 3 वर्ष की अभी हाल ही में कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। और इनका नाम क्यों है न्यूज़ में आंग सान सू का, क्योंकि एक तो ये म्यांमार की पूर्व स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि इन्हें 1991 में पीस के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया था, यानी शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया था 1991 में, इसलिए इनका नाम कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के नए दूत जो हैं वो नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है अब्दुल्लाए बतली, ये लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के नए दूत नियुक्त हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अभी हाल ही में, ये सेनेगल के पूर्व मंत्री थे और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के राजनायक भी हैं अब्दुल्लाए बतली, तो हाल ही में लीबिया में इनको संयुक्त राष्ट्र का नया दूत नियुक्त किया गया है। इसके बाद है लक्ष्मण नरसिम्हन, तो स्टारबक्स आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस बेवरेज कंपनी है, बेवरेज ब्रांड है एक तरह का। तो हाल ही में लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स का नया CEO घोषित किया गया है, ठीक है, स्टारबक्स का नया CEO बन गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। इसके बाद हैं एंड्रिया पेटकोविच, तो ये जर्मनी के लिए टेनिस खेलती थी, और हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, इसलिए इनका नाम दिखाया गया न्यूज़ में, इम्पॉर्टेंट है एंड्रिया पेटकोविच। दो पॉइंट याद रखिएगा, एक तो पूछ सकता है कि ये किस स्पर्धा की खिलाड़ी हैं, तो ये खेलती हैं क्या, लॉन टेनिस। दूसरी चीज़ ये पूछ सकता है कि किस देश का प्रतिनिधित्व करती थी, तो ये जर्मनी का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके बाद है क्रिस रॉक, इन्हें आप जानते होंगे, इस साल के जो ऑस्कर हुए थे तो वहाँ पे एक इनका विवाद हुआ था विल स्मिथ के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था उस टाइम। तो अभी हाल ही में इनकी तरफ से एक न्यूज़ सुनने में आई है कि 2023 में जो ऑस्कर के अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, इसको फिर से होस्ट करने का इन्हें निमंत्रण दिया गया था, और इन्होंने उसे होस्ट करने से मना कर दिया है, एक तरह से ऑफ़र ठुकरा दिया है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है क्रिस रॉक को लेकर, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हैं हेनसेन, तो अमेरिका के हैं ये हेनसेन, इन्होंने कद्दू से एक बनी नाव पे नदी पार की है और एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में इनका 60वां जन्मदिवस था, उसके अवसर पे इन्होंने, आप ये फोटो पे देख सकते हैं, ये जो बोट है ये पूरी कद्दू की बनी हुई है, और इसी कद्दू की बोट पे ये बैठ के इन्होंने नदी पार की, और इसके दौरान इन्होंने 61 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। इसके बाद है तुर्की की न्यूज़, तो तुर्की की न्यूज़ मैंने आपको एक तो पहले बताया था तुर्की का नया नाम आ गया है तुर्की, ये आप याद रखिएगा, तुर्की का नया नाम है तुर्की। तो हाल ही में यहाँ पे तुर्की ने काला सागर क्षेत्र में
विमानन अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था टेक्नोफास्ट। ठीक है, तुर्की का ये एक तरह से महोत्सव था, प्रौद्योगिकी महोत्सव, जिसका नाम था टेक्नोफास्ट। इसका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसे आयोजित किया गया था जहाँ पे तुर्की ने दुनिया भर में उनके जो डिफेंस से रिलेटेड लड़ाकू विमान हैं, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है, उनका सबका प्रोटोटाइप दुनिया में शोकेस किया, उस महोत्सव में उसका प्रदर्शन किया। तो यहाँ से आपको टेक्नोफास्ट का नाम याद रखना है। फिर यहाँ पे रूस की न्यूज़ है। तो रूस ने मरम्मत का हवाला देते हुए यूरोप के लिए एक जो गैस लाइन थी, प्रमुख गैस लाइन थी यूरोप के लिए, उसको फिर से बंद कर दिया है। ठीक है, रूस ने न्यूज़ में ये कहा है कि उस गैस लाइन की मरम्मत चल रही है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, देखिए, जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जो यूरोपीय संघ है, इन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे रूस पे। तो हो सकता है कि रूस जो है उसी के जवाब में ऐसा कदम उठाया हो रूस ने। तो जो प्रमुख गैस पाइपलाइन थी, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1। गैस लाइन का नाम याद रखिएगा, नॉर्ड स्ट्रीम 1, इसको अभी पूरी तरह से रूस ने बंद कर दिया, जो कि यूरोप के लिए एक प्रमुख गैस पाइप थी। इसके बाद है तेजस मार्क 2 की न्यूज़। अब ये क्या है, तो देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमान पहले बनाए गए थे तेजस, और ये काफ़ी ज़्यादा सफल है, और इन्हीं की सफलता को देखते हुए जो गवर्नमेंट है भारत की, इन्होंने डिसाइड किया है कि तेजस मार्क 2 को डेवलप किया जाएगा, यानी तेजस विमान के ही और एडवांस्ड वर्जन, जिसको नाम दिया गया है तेजस मार्क 2, इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा भारत में। और ये जो तेजस मार्क 2 है, ये मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 की जगह लेगा। इसके बाद एक आइलैंड न्यूज़ में आया है जिसका नाम है मिनक्वायर्स। मिनक्वायर्स एक ऐसा आइलैंड है जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है, एक ऐसा द्वीप है, और हर दिन ये सिर्फ 6 घंटे दिखाई देता है, मतलब दिन में जैसे 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे में सिर्फ ये 6 घंटे दिखाई देता है। इस कारण से इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके कारण से ये अभी न्यूज़ में दिखाया गया था। मिनक्वायर्स ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। फिर यहाँ पे सुदर्शन पटनायक जी हैं, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं, सुदर्शन पटनायक। इन्होंने अभी हाल ही में, आप सभी को पता है कि गणेश उत्सव हुआ था, तो उसी के दौरान रेत के लड्डुओं से यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी। और बनाई कहाँ पे थी, ये बनाई गई थी ओडिशा के पुरी में। सुदर्शन पटनायक जी ने रेत के लड्डू से बनाई थी गणेश जी की प्रतिमा। इस कलाकृति में लगभग 3425 सैंड लड्डू और फूलों को यूज़ किया गया था इस कलाकृति को बनाने के लिए गणेश जी की। फिर सऊदी अरब की न्यूज़ है। यहाँ पे एक फैशन शो चर्चा का विषय बना था, और क्यों बना था, क्योंकि सऊदी अरेबिया में दूसरी बार हो रहा है कि एक फैशन शो किया गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, जिमी फैशन इंटरनेशनल अभी हाल ही में सऊदी अरब के रियाड में आयोजित किया गया था। बस इतना सा आपको पढ़ना है इसमें। और ये याद रखिएगा कि सबसे पहली बार फैशन शो कब आयोजित किया गया था, सबसे पहली बार 2018 में सऊदी अरब में फैशन शो आयोजित किया गया था, और अब 2022 में ये दूसरा है। इसके बाद है कनाडा की न्यूज़। तो कनाडा में एक स्टार्टअप ने एक ट्रेन तैयार की है जो कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी जिसकी। देखिए, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा ये स्पीड लग रही है, चलने में तो पता नहीं क्या है। तो कनाडा की स्टार्टअप है ट्रांसपार्ट, इनके द्वारा एक ट्रेन तैयार की गई है, और ट्रेन का नाम याद रखिएगा, ट्रेन का नाम है फ्लक्स जेट, ये नाम दिया गया है इस ट्रेन को, जिसकी जो स्पीड है ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट एक न्यूज़ है, तो बस आपको बता देता हूँ। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो ब्रांडिंग होती है एयरलाइंस वगैरह होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर मॉडल्स, एक्टर, एक्ट्रेस, इन सबको ऐड में रखा जाता है, या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं उन्हें। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइंस ने अभी हाल ही में अपना एक विज्ञापन लॉन्च किया था, जहाँ पे उन्होंने अपने विज्ञापन के लिए एक कलहंस को चुना था। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, पिक में देख सकते हैं, एक कलहंस को विज्ञापन में दिखाया था इन्होंने। इसके बाद ये न्यूज़ अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा की है कि जो पीएम श्री आई थी इस योजना स्कूलों को अपग्रेड करने की, तो भारत में लगभग जो सरकारी स्कूल हैं, तो उनमें से लगभग 14,500 सरकारी स्कूल हैं, उनको प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री स्कीम के अंडर में उनको डेवलप किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा।
ताकि वहाँ पे जो लेवल है एजुकेशन का उसको और भी बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद डिफेंस एक न्यूज़ है, भारत ने अभी हाल ही में एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो कि सतह से हवा में प्रहार करने वाली एक मिसाइल है, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट में इसको कहा जाता है QRSAM। तो हाल ही में इस QRSAM का सफल परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा, और ये जो परीक्षण है ये ओडिशा के चांदीपुर में जो एकीकृत परीक्षण रेंज है वहाँ पे किया गया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना के साथ मिलकर। इसके बाद मध्य प्रदेश से न्यूज़ है, तो मध्य प्रदेश के दो शिक्षक हैं जो कि हैं श्री नीरज सक्सेना और श्री ओम प्रकाश पाटीदार। तो हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में स्थित जो विज्ञान भवन है वहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो ये आपको याद रखना, अगर आप एमपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। श्री नीरज सक्सेना, श्री ओम प्रकाश पाटीदार, दो शिक्षक हैं जिनको शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके बाद मध्य प्रदेश से ये एक और न्यूज़ है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म ये में मध्य प्रदेश में यहाँ पे फिर से अपना इन्होंने परचम लहराया है और यहाँ पे अवार्ड जीते हैं। तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड को यहाँ पे 4 गोल्ड और 1 सिल्वर अवार्ड दिया गया, तो टोटल मध्य प्रदेश ने यहाँ पे 5 अवार्ड जीते हैं, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला के। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, पूछ सकता है कि कितने गोल्ड या कितने टोटल अवार्ड दिए गए हैं, तो टोटल 5 है जिसमें से 4 गोल्ड और 1 सिल्वर है। इसके बाद चैंपियंस 20 का नाम आता है, चैंपियंस 20 क्या है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थी हैं इनको IIT JEE की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, और ये जो कोचिंग होगी इसका नाम दिया गया है चैंपियंस 90, ठीक है। तो 10वीं कक्षा के बाद इनको प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करवाने हेतु ये कोचिंग शुरू की जा रही है जिसका नाम चैंपियंस 90 दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष, तो साउथ अफ्रीका की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं चार्लवी, ठीक है, चार्लवी। हाल ही में इनका 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, साउथ अफ्रीका की अभिनेत्री थी, ये भी याद रखिएगा, चार्लवी इनका नाम था। इसके बाद टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं साइरस मिस्त्री, और इनका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, तो हाल ही में 54 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है, साइरस मिस्त्री, ठीक है। तो 2012 में इन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी, और इसके बाद 2016 में ये टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए गए थे। तो पूर्व चेयरमैन रह चुके थे टाटा ग्रुप के, और टाटा ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है भारत का, जाना माना है, इस कारण से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में 54 वर्ष की आयु में इनके निधन हो गया है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मूव करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर, तो 15 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस। कब? 15 सितंबर को हर साल। 15 सितंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि 15 सितंबर को जन्म दिवस होता है एम विश्वेश्वरैया जी का, यानी कि मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का, और ये एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे और इनको सर MV के रूप में जाना जाता था। तो इन्हीं के सम्मान में 15 सितंबर डेट जो है चुनी गई है, और हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में मालूम होने चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले इन्हें वर्ष 1909 में मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1912 में मैसूर में दीवान का पद इन्हें दिया गया था, इन्होंने 7 वर्ष तक इस पद को संभाला था। इसके बाद 1955 में, ये देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, 1955 में इनको इनके इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया गया था। तो याद रखिएगा 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद इन्हें जॉर्ज वी के द्वारा ब्रिटिश नाइटहुड किंग से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद इन्हें सर के पदनाम से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके बाद मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हैं सामान्य ज्ञान खेल के क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। फिर है विक्टर एक्सेलसन किस देश की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? ये विक्टर एक्सेलसन
सबसे पहले तो याद रखिए कि ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय किस देश में, आपको ये बताना है, तो इसका मुख्यालय है श्रीलंका में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, यानी कि किसने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका राइट आंसर है अरशद नदीम। फिर है मेसुत ओजिल ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं, आपको यह बताना है, तो यह फुटबॉल खेलते हैं जर्मनी के लिए। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में कौन सा देश FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, तो इसका राइट आंसर है भारत। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में होगी इसकी मेजबानी, तो याद रखिएगा। फिर ओलंपिक खेलों में भारत के लिए बैडमिंटन स्पर्धा में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर है साइना नेहवाल। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो इसका राइट आंसर है KL राहुल। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई ये जो दो टर्म है ये किस खेल का हिस्सा, आपको यह बताना है, तो ये टर्म यूज़ होते हैं तैराकी में, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई। फिर है पुलेला गोपीचंद ये किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, तो ये खिलाड़ी रह चुके हैं बैडमिंटन के। नेक्स्ट है वर्ष 1982 में किस देश में एशियाई खेल हैं उनका आयोजन किया गया था 1982 में, तो 1982 में आयोजित किए गए थे भारत में, कौन से गेम, एशियन गेम्स 1982 में भारत में। फिर है द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो किस देश की ये घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में करंट में ये शुरू की गई थी, तो आपको बताना है कि ये किस देश की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो यह प्रतियोगिता है इंग्लैंड की, द 100, यानी कि जैसे T20 का टूर्नामेंट होता था, तो T20 में एक पारी में 120 गेंद होती थी, तो उसको और भी छोटा कर दिया गया है, अब इसमें हर एक पारी में सिर्फ 100 गेंदें दी जाती हैं, इसलिए इसका नाम द 100 दिया गया है, और ये इंग्लैंड की एक घरेलू क्रिकेट की प्रतियोगिता है। फिर वर्ष 2020 में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला एकल चैंपियन कौन बनी थी, तो इसका राइट आंसर है नोजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जीता था, तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। फिर कैमरन स्मिथ ये किस देश के दिग्गज गोल्फर हैं, गोल्फर पूछा जा रहा है, तो यह दिग्गज गोल्फर हैं ऑस्ट्रेलिया के। फिर वर्ष 2022 में इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट में विजेता कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलर फ्रिट्स। फिर उसैन बोल्ट ने एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इन्होंने टोटल 11 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर वर्ष 2020 में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस शहर में है, आपको यह बताना है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। फिर सूर्य कुमार यादव IPL में किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। नेक्स्ट है किस क्रिकेटर के नाम सबसे ज़्यादा वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड है, तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है साक्षी मलिक किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने हॉकी में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। फिर आगे आता है जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा पहला सवाल है सुरैती नामक लोकचित्र परंपरा किस स्थान की विशेषता है, तो यह विशेषता है बुंदेलखंड की। फिर है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे है, आपको यह बताना है, तो यह है भोपाल में। फिर है हृदयहीन कवि ये किसे कहा गया है, तो केशव दास जी को कहा गया है हृदयहीन कवि। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार आपको बताना है कि किस कवि की रचना है ये, तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्त्रावित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है लैक्टोज। फिर है मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के काल में संपन्न हुआ था, तो यह संपन्न हुआ था सोलंकी वंश के दौरान।
नेक्स्ट है राज्यसभा को किस प्रकार भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है या कभी भी भंग नहीं होने वाली है। फिर है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग लाया जाता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस लाया जाता है इस्तेमाल में दूरदृष्टि कोष को, दूरदृष्टि का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए। फिर है केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्नलिखित में से किसकी सलाह के आधार पर किया जाता है। तो यह किया जाता है वित्त आयोग के सलाह पे। नेक्स्ट है किसी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा जनजाति घोषित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यह शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। फिर है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किसे संरक्षण प्रदान करता है। तो यह संरक्षण प्रदान करता है सहकारी समितियों को। फिर है भारत के राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। तो ये होता है मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा पर। फिर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान जो अर्जुन एवं विक्रम अवार्ड से पुरस्कृत हैं एवं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं उनका नाम क्या है। इनका नाम है संध्या अग्रवाल। फिर है डबल फॉल्ट, आपको बताना है कि जो शब्दावली है किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है टेनिस से। फिर है मलेशिया की किंटा घाटी ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए चक्रधर फेलोशिप और पर्यावरण शोध के क्षेत्र में ये जो पेयर दिया गया है ये गलत है, बाकी के सही हैं। फिर है मध्य प्रदेश शासन की हम छू लेंगे आसमान एक योजना है, यह योजना किसके लिए लक्षित है आपको यह बताना है। तो यह है छात्रों के लिए। फिर है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विंध्य प्रदेश को शामिल किस में किया गया था। तो इसको पारसी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसमें से जो बरगी परियोजना है इसको रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इज बरगी परियोजना। फिर सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखिए सिंगरौली में जो सूर्योदय है ये लगभग आधे घंटे पहले होगा, यह इसका राइट आंसर होगा। फिर मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो यह है खरगोन में। फिर भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। वह संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्गों से। कौन सी परियोजना है, भारतमाला परियोजना। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो उस पर कार्य करता है उत्प्लावन बल। फिर है पराध्वनिक विमान किस प्रद्याति तरंग को पैदा करता है। तो यह पैदा करता है ध्वनि बूम को। इसके बाद श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पे है। तो यह है पुलिकट झील पे, याद रखिएगा पुलिकट झील पे है श्री हरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट है दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल प्रदेश जो है तो उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के जो घास स्थल वाले प्रदेश हैं इन्हें वेल्ड कहा जाता है। फिर है लदांग नामक झूम कृषि किस देश से संबंधित है। तो यह संबंधित है इंडोनेशिया से। नेक्स्ट है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। तो ये अंतर होता है सिर्फ 4 मिनट का। इसके बाद है राजा भोज के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कहाँ कराया गया था। तो ये कराया गया था चित्तौड़ में। फिर है ऑरोरा बोरियालिस की जो घटना है ये वायुमंडल के किस भाग में संपन्न होती है। तो यह होती है वामंडल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनातोलिया का पठार कहाँ पे है आपको यह बताना है। तो यह तुर्की में है। फिर है नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो ओरेकल है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ब्लैकबेरी ओएस विंडोज़ और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है एसक्यूएल का
विस्तारित रूप बताना यानी फुल फॉर्म बताना है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है हॉट करेंसी। नेक्स्ट है उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो यह निर्मित है ताप्ती नदी पे। नेक्स्ट है जंग रोधक लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पे क्रोमियम धातु का यूज़ किया जाता है जंग रोधक लोहा बनाने के लिए। नेक्स्ट है एक तरल की बूंद का आकार गोलाकार होना किस गुण को प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है पृष्ठ तनाव को। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। फिर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है, यह है स्विट्जरलैंड में। फिर झावेरी बहने ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी बहने। फिर है पवनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इस आश्रम की स्थापना की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट है गोल्डन होल्ड, यह एक पुस्तक है, तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो इसके जो लेखिका हैं ये हैं सरोजनी नायडू जी, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है गोल्डन होल्ड और लेखिका है सरोजनी नायडू। इसके बाद बढ़ते हैं आगे आधुनिक इतिहास की तरफ, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि तकावी जो है एक ऋण था, और आपको बताना है कि किस प्रकार का ऋण था, तो ये जो ऋण था ये कृषि कार्य हेतु अग्रिम ऋण था, नाम था तकावी। फिर है रॉयल कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था, तो इसका गठन किया गया था सिविल सेवा के लिए। फिर है किस कमीशन की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था, तो रेले कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। फिर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। फिर प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो 1919 अधिनियम के तहत लाया गया था ये। फिर ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो आपको बताना है कि इसका संबंध किस घटना से है, तो इसका संबंध है हैदराबाद के विलय से। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू द्वारा भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से किसे संबोधित किया गया है, तो ये संबोधित किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट है श्री रंगपट्टनम की संधि किस युद्ध का परिणाम थी, तो यह परिणाम थी तृतीय आंग्ल और मैसूर युद्ध की। फिर है द्वितीय आंग्ल और सिख युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है अफगानों के संदर्भ में लॉरेंज ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो यह नीति थी अकर्मण्यता की नीति। नेक्स्ट है बर्मा को भारत से अलग कर डोमिनियन की स्थिति कब प्रदान की गई थी, तो यह किया गया था 1935 में। फिर है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा गया है, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसके अनुभव पर आधारित यह एक पुस्तक है, तो यह पुस्तक है डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुभव पर आधारित। फिर प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना की गई थी डी के कर्वे जी के द्वारा, डी के कर्वे इसका राइट आंसर है। फिर किस संस्था की स्थापना बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं की गई है, तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं की थी। फिर जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा पेयर गलत है, तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट और जवाहरलाल नेहरू ये जो पेयर दिया गया है ये पेयर गलत है। फिर है वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में आया था, तो ये आया था लिटन के शासनकाल में। फिर प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 1881 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के द्वारा किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई है, यानी महात्मा गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन को। फिर है स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों हेतु राजस्व का कितना भाग तय किया गया था, तो 11% तय किया गया था। फिर भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो डलहौजी जी के द्वारा किया गया था भारत में डाक टिकटों का प्रचलन।
फिर है टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। फिर है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट को मंजूरी प्रदान की गई थी, तो यह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। फिर है रानी गेडिन्यू का संबंध किससे है यह बताना है, तो इनका संबंध है हिराका आंदोलन से। फिर है गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ था, तो यह संपन्न हुआ था 1931 में। फिर है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसकी रचना है ये, तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये रचना है अरविंद घोष जी की। फिर है अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन किया गया था शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। फिर है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो ये घोषणा की गई थी रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो समय बंगाल के गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर जब बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर है श्वेत विद्रोह यह किस विधेयक के विरोध में हुआ था, तो इल्बर्ट विधेयक के विरोध में हुआ था श्वेत विद्रोह। फिर है 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम में किया गया था, तो यह किया गया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर में। फिर है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यह गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए थे, तो यह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। फिर है ट्रस्टीशिप यानी कि न्यासिता यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो यह सिद्धांत दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। फिर है कोलकाता यानी कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जॉब चारनॉक इन्हें कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है अवध राज्य का संस्थापक कौन था, तो सआदत खां बुरहानुल मुल्क ये थे संस्थापक अवध राज्य के। नेक्स्ट है द वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था, तो यह जारी किया गया था श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा। नेक्स्ट है बेदरा की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी, तो बेदरा की लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों और डच के बीच में। फिर है वांडी वॉश का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह युद्ध लड़ा गया था 1760 में। फिर है 1765 में हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज एवं किसके मध्य हुई थी, तो इलाहाबाद की 1765 की जो प्रथम संधि थी ये अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी, तो यह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर है सोबराव का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था फरवरी 1846 में। फिर है डंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट है सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था, आपको यह बताना है, तो इस आयोग का संबंध था शिक्षा के क्षेत्र से। फिर आपको बताना कि जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा पेयर गलत है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए खुर्दा का युद्ध जो कि 1780 दिया गया है ये पेयर गलत है, बाकी के 3 पेयर सही हैं। फिर है गुलामगिरी यह किसकी रचना है, इम्पॉर्टेंट है ये आपको बताना है, तो ये है ज्योतिबा फुले की रचना है गुलामगिरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर और करंट की न्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे जापान ओपन की बात करते हैं, जापान ओपन जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है हाल ही में संपन्न हुआ है जापान में। तो जापान के ही स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं केंटा निशिमोटो, ये जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहली बार इस जापान ओपन के पुरुष एकल वर्ग को जीता है, मतलब कि पुरुष एकल वर्ग में ये चैंपियन बने हैं इस वर्ष के, तो इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा महिला वर्ग में बात करते हैं, तो महिला एकल वर्ग में जापान की ही अकाने यामागुची ने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो पुरुषों में भी यानी मेंस में भी और वुमेंस दोनों में ही जापान के खिलाड़ियों ने जीता है। पुरुषों में जो जीते इनका नाम याद रखिएगा, जापान के केंटा निशिमोटो, और महिलाओं में अकाने यामागुची, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं भारत के पूर्व फुटबॉलर कल्याण चौबे, तो ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कौन,
कल्याण चौबे। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला वन की, F1 रेस की। तो इस साल का जो अगला रेस था ये हुआ था अभी डच ग्रैंड प्रिक्स, जिसे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। याद रखिएगा 2022 का डच ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तो जो मैक्स वर्स्टैपेन है, इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि किस कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए रेस करते हैं रेसर्स, तो मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के लिए रेस करते हैं। इसके बाद US ओपन की न्यूज़ है। यहाँ पे टियाफो, अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं फ्रांसिस टियाफो, अभी हाल ही में US ओपन चल रहा है, तो US ओपन में इन्होंने राफेल नडाल को हरा दिया है। ठीक है, तो राफेल नडाल को हरा दिया, जिसके कारण जो राफेल नडाल हैं यह US ओपन टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। तो एक तरह से बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। तो कुछ खास तो यहाँ से वैसे याद रखना नहीं है, बट न्यूज़ है तो आप ये एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा कि अमेरिका के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं फ्रांसिस टियाफो, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन राफेल नडाल को हरा के बाहर किया भी US ओपन से। फिर T20 विश्व कप की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि T20 विश्व कप होगा कहाँ। T20 विश्व कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। पुरुषों के T20 की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में ये पुरुषों का T20 विश्व कप होने वाला है, और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान चुने गए हैं यहाँ पे टेम्बा बावुमा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के टीम के कप्तान चुने गए हैं टेम्बा बावुमा, तो ये कप्तानी करेंगे इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की। इसके बाद द 100, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि द 100 जो टूर्नामेंट है क्रिकेट का, ये किस देश की घरेलू प्रतियोगिता है, ये तो आपको बता दिया था कि इंग्लैंड का है। उसके बाद 100 क्यों कहा जाता है ये भी बता दिया था। तो हाल ही में इसका, इस साल का टूर्नामेंट संपन्न हुआ है, और इस साल के चैंपियन बने हैं ट्रेंट रॉकेट्स। ट्रेंट रॉकेट्स ने जीता है इस साल का द 100 का खिताब, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने फाइनल में हराया किसे, ये भी याद रखिएगा। तो टूर्नामेंट के फाइनल में ट्रेंट रॉकेट्स ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को 2 विकेट से हराया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेशंस कप की बात करते हैं। तो नेशंस कप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पहली बार इसे आयोजित करने का फैसला किया है। तो यह जो टूर्नामेंट है ये आयोजित किया जाएगा 11 से 17 दिसंबर कहाँ पे, वेलेंसिया में। तो स्पेन के वेलेंसिया में आयोजित होगा ये नेशंस कप, और याद रखिएगा कि ये महिलाओं के हॉकी का एक टूर्नामेंट है। इसमें 8 देशों की महिलाएं की हॉकी की महिलाएं की टीम कॉम्पीट करेंगी आपस में। तो इसमें पुरुष नहीं खेलेंगे, सिर्फ महिलाओं की टीम होगी। नेशंस कप हॉकी का टूर्नामेंट है, कहाँ पे होना है, स्पेन के वेलेंसिया में होना है, और इसमें भारत की हॉकी की टीम भी खेलेगी महिलाओं की। इसके बाद हांगकांग ओपन और मकाऊ ओपन, तो ये आप सभी को मैंने एक बार पहले ही बताया था कि ये बैडमिंटन के एक टूर्नामेंट है। तो हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने हांगकांग ओपन सुपर 500 और इसके अलावा मकाऊ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द करने का फैसला लिया है। ये हुआ क्यों है, तो कोविड के महामारी, जो कोविड महामारी है उसके द्वारा जुड़े कुछ प्रतिबंध थे, उस कारण से इन्हें अभी हाल ही में कैंसिल किया गया, रद्द किया गया है। तो 2 टूर्नामेंट है, हांगकांग ओपन और मकाऊ ओपन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। तो IPL में आप सभी को पता है टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, तो इस साल भी महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे। बस एक छोटी सी न्यूज़ है, अपडेट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मूव करते हैं सामयिकी की ओर। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी भारत दौरे पे, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मुलाकात हुई। हैदराबाद हाउस में इन दोनों के बीच में वार्ता हुई, नरेंद्र मोदी जी के बीच में और शेख हसीना के बीच में। तो दोनों देशों ने वहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे अपने बीच में वो सहयोग बढ़ा सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे साथ मिलके वो काम कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में तो जो दौरे पे आते हैं उनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई हैं, तो बस इनका आपको नाम याद रखना है शेख हसीना, और हैदराबाद हाउस में इनके बीच में वार्ता हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इनका हाल ही में निधन हो गया है, 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इसके बाद बात करते हैं आगे, तो रूस में अमेरिका के राजदूत सुलिवन अभी हाल ही में सेवा से मुक्त हुए हैं। तो जॉन सुलिवन थे, ये करीब 3 साल से रूस में अमेरिका के राजदूत थे, हाल ही में ये सेवा से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं लिज ट्रस,
लिज़ ट्रस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी हैं, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ब्रिटेन के पहले जो प्रधानमंत्री थे, आप सभी को पता है, बोरिस जॉनसन थे, और अब बोरिस जॉनसन की जगह नई प्रधानमंत्री बन गई हैं ब्रिटेन की, लिज़ ट्रस, याद रखिएगा। इसके बाद रेल लाइन के किनारे जो भी स्थित गांव हैं वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा देगा रेल वायर ब्रॉडबैंड, जो कि रेलवे का ही एक पार्ट है जिसको रेलवे ने अधिग्रहण करके रखा हुआ है। तो रेलवे लाइन के किनारे के जो भी क्षेत्र हैं, गांव हैं, यहाँ पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा सुनने शुरू की जाएगी, और ये सेवा दिया जाएगा रेल वायर ब्रॉडबैंड के नाम से। तो ये आपको ब्रॉडबैंड का नाम याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, वो कैब जी के जॉब्स की नोटिफिकेशन, अलग अलग न्यूज़पेपर की पीडीएफ और इस मैगज़ीन की भी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे भी चेकआउट ज़रूर करिएगा, वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रतियोगिता दर्पण तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए, तो मेक श्योर उसे भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।